नमस्कार भाई लोग, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि काली लिनक्स का बेसिक कमांड्स के बारे में। तो बेसिक कमांड्स जानने के लिए आपको काली लिनक्स ऑन करना है टर्मिनल काली लिनक्स में। और आपको एक बात पता होना चाहिए कि काली लिनक्स में हमारा जो है ऑलरेडी रूट में होते हैं हम, मतलब रूट डायरेक्टरी में, रूट यूज़र के थ्रू जो भी कह लीजिए। हम एक्स्ट्रा यूज़र क्रिएट कर सकते हैं लेकिन जनरली काम रूट से ही होता है। तो रूट में आप जिस डायरेक्टरी में अभी है उसको जानने के लिए आपको टाइप करना है पी डब्ल्यू डी। देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट होके आया रूट। उसके बाद अगर किसी डायरेक्टरी में आपको डायरेक्टरी का लिस्ट चाहिए कि रूट डायरेक्टरी में कौन कौन सा डायरेक्टरी है, तो ls टाइप करेंगे या cd टाइप करेंगे। दोनों में से cd से भी होना चाहिए लेकिन cd से हो नहीं रहा है तो ls से ही काम चल जाएगा। ls टाइप की जगह तो लिस्ट कर देगा कि कौन कौन सा फोल्डर उसके फोल्डर में है। और किसी फोल्डर में जाने के लिए आपको टाइप करना है cd और उस फोल्डर का नाम। तो अभी हम डेस्कटॉप टाइप करेंगे DESK और टैब दबाएंगे तो ये ऑटो कंप्लीट करना चाहिए, लेकिन कंप्लीट नहीं कर रहा है क्योंकि ये यहाँ पे डेस्कटॉप में ये डी जो है ये डी ये बड़ा है और ये हम डी छोटा दे दिए हैं। तो यही होता है कि लिनक्स केस सेंसिटिव होता है, आपको बड़ा का जगह बड़ा देना पड़ेगा, अब छोटा का जगह छोटा। तो देखिए सीधी डेस्कटॉप चले गए, डेस्कटॉप के अंदर में लिस्ट करेंगे तो देख सकते हैं। उसके बाद अगर बैक आना है तो आपको टाइप करना है CD SPACE DOT और एंटर कर देंगे। उसके बाद ls फिर से देखते हैं, देखते हैं आ गए यहाँ पे CD SPACE DOT से आप पीछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप में दिखा देते हैं आपको। देखिए यहाँ पे हम टाइप किए CD, उसके बाद DES, उसके बाद हम टैब दबाएं तो ऑटो कंप्लीट करना चाहिए लेकिन नहीं कर रहा है। चलो T डालते हैं, नहीं कर रहा है, करना चाहिए लेकिन। तो चलिए ओहो स्मॉल हम डी डाल रहे हैं तो इसीलिए चलो CD और कैपिटल DES उसके बाद टैब। देखिए ऑटोमेटिक कंप्लीट कर दिया, उसके बाद एंटर कर दिए, टैब दबाने से ऑटोमेटिक कंप्लीट कर दिया। उसके बाद CD SPACE DOT से पीछे जाएंगे। उसके बाद ls से देखेंगे लिस्ट कौन सा है। उसके बाद CD से आगे जाने के लिए उसके बाद कैपिटल DES टाइप करेंगे, उसका टैब दबाएंगे तो ऑटो कंप्लीट कर दिया, उसके बाद आगे जा सके। ठीक है, तो इतना समझ गए हैं, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आगे का। तो चलिए आगे कंटिन्यू कर। एक बात और था कि जैसे कि CD SPACE DOT से आप पीछे जाते हैं तो CD SPACE DOT से पीछे गए। उसके बाद एक बार और CD, आप चूँकि रूट डायरेक्टरी में है यहाँ पे आप CD SPACE DOT टाइप करने की कोशिश कीजिएगा तो आप कहीं नहीं जाइएगा, वहीं के वहीं रह जाइएगा। देख सकते हैं हम वहीं के वहीं हैं। और ls टाइप करेंगे तो हाँ ये रूट में चले गए, बेसिकली ये CD होम फोल्डर में थे, अभी हम रूट में चले हैं। देखिए इसका यहाँ पे ये रूट फोल्डर का निशान है और यहाँ पे ये था तो ये हो गया। अब इससे पीछे हम कहीं नहीं जा सकते हैं। देखिए CD SPACE DOT टाइप किए तो कहीं नहीं गए, वहीं के वहीं है। CD SPACE DOT टाइप किए तो कहीं नहीं गए। उसके बाद हम ls टाइप करेंगे तो लिस्ट दिखाएगा, उसके बाद हम आगे जा सकते हैं। तो आगे जाने के लिए CD उसके बाद HOM टैब दबाएँ और होम में चले गए। तो ls टाइप करेंगे तो फिर ls टाइप करेंगे तो इसमें कुछ हो नहीं है तो CD SPACE DOT टाइप करके पीछे आ जाएंगे। उसके बाद ls टाइप करेंगे लिस्ट देखेंगे, उसके बाद किस में थे हम लोग अभी मीडिया में थे। रुक जाइए एक मिनट, चेक करने दीजिए, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। होम में नहीं, मीडिया में नहीं, मीडिया में भी नहीं, एमएनटी में भी नहीं, किस्मत है यार। यहाँ पे हम हिडन फोल्डर शो करते हैं, हिडन फोल्डर रिलीज हो है। हाँ
अब समझ में आया। तो देखिए यहाँ पे रूट डायरेक्टरी है, कहाँ गया, ये रहा रूट, तो हमको इसी में जाना है। तो देखिए सी डी और ROO टैब दबाएंगे तो कंप्लीट हो जाएगा, रूट में आया। तो देखिए ये साइन जो है सो ये साइन में चेंज हो गया। तो उम्मीद करते हैं इतना तक समझ गए होंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि मान लीजिए आप देखिए CD रूट में जाते हैं, CD रूट कहा गया, एक मिनट पहले एकदम पीछे जाते हैं, ठीक है। तो CD डबल डॉट पीछे गए, उसके बाद CD डबल स्पेस डबल डॉट पीछे गए, मतलब कहने का इससे पीछे नहीं जा सकते हैं। उसके बाद LS से लिस्ट देखेंगे और यहाँ पे हम जाते हैं किस में जाएँ, होम फोल्डर में। तो CD H होम हो गया, होम में चले गए। अब हम चाहते हैं, अब हम होम फोल्डर में, तो होम फोल्डर में लिस्ट करेंगे तो इसमें कुछ नहीं, खाली है होम फोल्डर। तो होम फोल्डर से हम डायरेक्ट जाना चाहते हैं रूट फोल्डर में, तो कैसे जाएंगे? तो रूट फोल्डर में होम से डायरेक्ट रूट में जाने के लिए आपको करना है CD और एक फॉरवर्ड स्लैश, और मतलब कि हमको रूट में जाना है, और ये कर देंगे फॉरवर्ड स्लैश तो हम रूट में चले जाएंगे। और अगर फिर से हम देखिए CLS करते हैं तो यहाँ पे हम वापस आ गए, ठीक है। तो मतलब रूट डायरेक्टरी में आ गए, तो उसी के जगह हम रूट डायरेक्टरी की जगह हम नाम भी डाल सकते हैं। कहने का रूट डायरेक्टरी में जाने का एक ये भी तरीका है कि डायरेक्ट आप कहीं भी रहें CD टाइप करेंगे, स्पेस टाइप करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश टाइप करेंगे, आप रूट में पहुँच जाइएगा। उसके बाद LS करते हैं तो देखिए वहीं पर हैं, रूट में पहुँच गए। अब हम होम फोल्डर में जाते हैं, ठीक है। तो CD होम हो गया, उसके बाद हम होम से डायरेक्ट मीडिया में जाना रूट में जाना चाहते हैं। इस रूट में ये जो रूट फोल्डर है, एक रूट हो गया, फिर रूट होता है सबसे पीछे वाला फोल्डर, और एक होता है रूट जो कि नाम है, ठीक है, रूट फोल्डर का नाम है, दोनों अलग अलग चीज़ है, तो ध्यान रखिएगा। तो अब हम रूट फोल्डर में जाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, CD फॉरवर्ड स्लैश, यानी कि ये हमको मेन रूट में ले जाएगा। उसके बाद हमको ROOT टाइप करना है, तो हो गया। अब हम सीधे रूट में पहुंच गए, देखिए ये यहाँ पे ये था तो अब ये साइन आ गया। अब तो रूट में LS करेंगे तो देखिए ये डॉक्यूमेंट्स पिक्चर्स पब्लिक जो भी है ये सब आ गया। तो कहने का मतलब एक के बारे में हम किसी और फोल्डर से किसी और फोल्डर में भी जा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये भी सीख गए, फिर आगे। तो अब हम एक और चीज़ आपको बताते हैं, देखिए LS अभी हम जहाँ पे हैं उसका LS से लिस्ट निकाल लिए। अब हम चाहते हैं कि लिस्ट निकाले, हम इस डायरेक्टरी में है लेकिन हम बिना डेस्कटॉप फोल्डर में जानना चाहते हैं कि उसमें क्या क्या है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, आपको LS टाइप करेंगे, उसके बाद स्पेस टाइप करेंगे, स्पेस, उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश, और पहले हम रूट डायरेक्टरी में देख लेते हैं। बिना इस रूट में जाए हम जानना चाहते हैं कि रूट डायरेक्टरी में क्या है। तो इसके लिए हम LS और रूट टाइप करेंगे तो देखिए सीधे टाइप कर दिए, लेकिन अभी हम रूट में नहीं है, अभी हम सीधे LS टाइप करेंगे तो ये आ रहा है, लेकिन LS स्पेस ये टाइप करेंगे तो ये आ रहा है। तो दोनों अलग अलग देख रहे हैं, यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश डाल रहे हैं तो ये रूट का फोल्डर सब शो कर रहा है, लेकिन वैसे जो है सो ये फिर सिर्फ उसका। तो हम चाहते हैं कि सीधे डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर में क्या क्या है वो हम जानना चाहते हैं। तो हम टाइप करके LS फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद टाइप करेंगे डेस्कटॉप। कैन नॉट एक्सेस डेस्कटॉप, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। तो आपको कोई डायरेक्टरी नहीं है, तो आपको बेसिकली हम रूट फोल्डर का डायरेक्टरी गलत डाले थे, पहले ये होता उसके बाद रूट होता उसके बाद डेस्कटॉप होता, ठीक है। तो अब कैनॉट एसेस नो फुल साइज, अरे एक मिनट यार रुक जाओ, LS डेस्कटॉप में है, ठीक है। तो अब हमको टाइप करना है LS स्पेस, रूट में जाएंगे, उसके बाद ROOT है, उसके बाद डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप कैपिटल में है ना, डेस्कटॉप कैपिटल में है। अरे यार हमें स्मॉल में डाल रहे हैं, यही तो गड़बड़ कर देते हैं, छोटा छोटा गड़बड़ से जो है गड़बड़ हो जाता है। DESK, अब देखिए अब कंप्लीट हो गया, अब देखिए सीधे बता दिया कि डेस्कटॉप पे ये KDE लाइव जो भी है, यहाँ पे देख सकते हैं डेस्कटॉप पे KDE लाइव ये है। तो
तो बेसिकली बता दिया कि डेस्कटॉप में आप किसी फोल्डर से हम देख सकते हैं। देखिए अभी हम रूट में हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इस फोल्डर में क्या कहते हैं म्यूज़िक म्यूज़िक छोड़िए किस फोल्डर में ऐप फोल्डर में क्या है, ठीक है। तो ऐप फोल्डर में देखने के लिए आप हम सीधे टाइप करेंगे ls स्पेस फॉरवर्ड स्लैश rwt फॉरवर्ड स्लैश उसके बाद ऐप app। तो देखिए इसमें नो सच अरे हम अति स्पेस देना भूल गए, छोटा छोटा गलती हो जाता है ना। ls फॉरवर्ड स्लैश रूट फॉरवर्ड स्लैश app। देख सकते हैं बलिनाइचर ऐप में था तो देख लिया कि वो है। तो ऐसे ही आप किसी फोल्डर में रह के किसी और फोल्डर का जो है सो कंटेंट देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए तो अब हम कुछ फोल्डर क्रिएट करना सीखेंगे। फोल्डर क्रिएट करने के लिए आपको पहले हम ls देखते हैं, तो हम उसके बाद सीडी से डेस्कटॉप में जाते हैं। डेस्कटॉप में अरे यार हम फिर से स्मॉल में टाइप कर दिए, डेस्कटॉप में गए उसके बाद ls दिए, तो यहाँ पे सिर्फ एक किडन लाइव है जो कि यहाँ पे है, तो यहाँ पे आ गया। अब हम बेसिकली इसको बंद कर देते हैं। अब हम बेसिकली जो भी काम करेंगे इसको थोड़ा इधर लाया जाए, इसको नीचे कर देते हैं, ठीक है। हाँ तो जो भी काम अब हम करेंगे डायरेक्टरी डालेंगे वो देखिएगा यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम एक फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं यानी डायरेक्टरी, तो mkdir टाइप करके उस डायरेक्टरी का नाम डाल देंगे। उस डायरेक्टरी का नाम डालेंगे तो अगर हमारे जो टेस्ट डालते हैं एंटर करते हैं तो देखिए यहाँ पे टेस्ट नाम का फोल्डर क्रिएट हो गया। और mkdir उत्सव टाइप करते हैं तो mkdir उत्सव क्रिएट हो गया। वैसे ही अगर के mkdir रूट टाइप करते हैं तो रूट का एक फोल्डर रूट नाम से क्रिएट हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में गए। तब तक अब जो है हम यहाँ पे अथी दिख रहा है टाइमर, हाँ अब हम जो है बेसिकली उस डायरेक्टरी को डिलीट करना का सीखेंगे। तो डेस्कटॉप में ये सब डायरेक्टरी है, तो पहले हम टाइप करेंगे ls देखने के लिए कि डेस्कटॉप में क्या क्या है। तो देख सकते हैं तीन डायरेक्टरी है और एक फाइल है, ये जो किडन लाइव इमेज करके ये फाइल है। तो अब हम डिलीट करना चाहते हैं डायरेक्टरी। देखिए डायरेक्टरी को डिलीट करने का तरीका अलग है और फाइल को डिलीट करने का शायद तरीका अलग है। तो डायरेक्टरी को डिलीट करने का जो है वो कमांड है rm मतलब रिमूव और dir उस डायरेक्टरी का स्पेस डाल के नाम डालेंगे। rwt डालेंगे तो देखिएगा स्पेस डालेंगे तो रिमूव डायरेक्टरी हो गया, डिलीट हो गया। उसके बाद हम rm dir स्पेस उत्सव डालेंगे तो बेसिकली उत्सव डायरेक्टरी डिलीट हो गया। उसके बाद rm dir बार बार इसलिए कर रहा है ताकि आपको याद हो जाए। उसके बाद टेस्ट डालेंगे तो टेस्ट डायरेक्टरी डिलीट हो गया। तो उम्मीद करते हैं सीख गए होंगे ये भी। तो चलिए अब हम देखना सीखेंगे कि किसी भी डायरेक्टरी में जितना भी फाइल फोल्डर है वो तो देखना सीख गए हैं कि सिंपल सा ls कमांड डालेंगे तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि उस डायरेक्टरी में क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद हम जानना सीखेंगे कि बेसिकली उस डायरेक्टरी में जो भी चीज़ हिडन है, जो भी हिडन है अगर हिडन चीज़ भी देखना है तो देखिए अगर ls टाइप कर रहे हैं तो हमको सिर्फ ये सब दिखा रहा है ये सब, लेकिन इसके अलावा भी इसमें बहुत सारा चीज़ है जो कि अभी दिखने रहा है और उसका पूरा डिटेल दिखना है, जैसे कि उसको उसका परमिशन क्या है और साथ में हिडन फोल्डर फाइल सब भी। तो उसके लिए आपको टाइप करना है ls स्पेस डैश ls। इसको टाइप किएंगे तो देखिए कुछ इस तरीके का आ गया। तो यहाँ पे देखिए मिलाइए तो आर्मेगेडन यहाँ भी है, आर्मेगेडन यहाँ भी है, डेस्कटॉप यहाँ भी है, डेस्कटॉप यहाँ भी है, लेकिन बाकी ये सब जो डॉट कैसे डॉट कन्फिग डॉट डीबस ये सब जो है जो कि इसमें नहीं शो कर रहा है लेकिन इसमें शो कर रहा है। साथ में ये बता दे रहा है कि इसका परमिशन क्या है, तो ये रूट यूज़र से हम किए हैं। साथ में ये जो है ये दो दिखा रहा है कि ये डायरेक्टरी है और ये सब बाकी का ये जो है ये सब दिखा रहा है कि
इसका परमिशन क्या है, रीड राइट का परमिशन है या नहीं, मतलब परमिशन बेसिकली इसका दिखा रहा है। तो ऐसे करके आप हिडन फाइल फोल्डर भी देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़। तो अब हम सीखेंगे बेसिकली एक सिंपल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करना। तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए पहले हम ls देखते हैं हम कहाँ पे हैं, उसके बाद हम cd से डायरेक्टली चेंज करेंगे और जाएंगे डेस्कटॉप में, ताकि वो जो फाइल क्रिएट हो वो आपके सामने में डेस्कटॉप पे दिख जाए, डेस्कटॉप पे जहाँ पे अभी हम हैं। तो अभी हम एक फाइल क्रिएट करने के लिए टाइप करेंगे echo 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 स्पेस, उस फाइल के अंदर, उसके बाद उसके ये डबल कॉमा वाला ऊपर में, उसके बाद उस फाइल में कुछ भी डालना चाहते हैं, जो भी हम डालना चाहते हैं वो लिख देंगे, और उसके बाद उसको लिखने के बाद उसको क्लोज कर देंगे, उसके बाद स्पेस देंगे, उसके बाद ये फॉरवर्ड कहाँ है जियो सिंबल, हाँ ये वाला सिंबल डालेंगे, और उसके बाद स्पेस देंगे, और उसके बाद उस फाइल का नाम देंगे। तो हम डालेंगे फाइल का नाम हेलो वर्ल्ड डॉट txt डालना इसलिए ज़रूरी है ताकि ये दिखाएं कि वो टेक्स्ट फोल्डर है, टेक्स्ट फाइल है, ठीक है। तो उसके बाद एंटर मारेंगे, तो देखिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड डॉट टेक्स्ट क्रिएट हो गया। और इसको खोलेंगे तो देखिए वही चीज़ सब है जिसमें, जो कि यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे हम टाइप किए थे, ठीक है। और फिर से हम इसके अंदर सुधार करना चाहते हैं, तो इसके अंदर अगर सुधार करना चाहते हैं तो इसके अंदर फिर से टाइप करेंगे echo echo echo, उसके बाद ऊपर में कॉमा, उसके अंदर डालेंगे हेलो स्पेस world वर्ल्ड, उसके अंदर में और ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे, उसके बाद स्पेस देंगे, उसके बाद फॉरवर्ड ये देंगे, उसके बाद इसको स्पेस देके वही नाम टाइप करेंगे जो उस फाइल का नाम है, तो हेलो world डॉट txt, उसके बाद एंटर करेंगे, उसके बाद इस फाइल को दोबारा से खोल के देखते हैं। तो देखें इसमें इसको जो भी पहले था उसको हटा के हेलो वर्ल्ड डाल दिया, ठीक है। तो और इसको ओपन करने के लिए, अगर आपका ये फाइल जो है इसको ओपन करने के लिए हम आपको शायद बताएं हैं या नहीं बताएं, पता नहीं, शायद नहीं बताएं अभी। इसको ओपन करने के लिए देखिए हम ls टाइप किए तो डेस्कटॉप पे दिख गया कि यहाँ पे हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट है। तो अब इसके अंदर में क्या क्या है ये देखने के लिए आप एक टेक्स्ट एडिटर है टर्मिनल में, उसका नाम है नैनो टाइप करेंगे, उसके बाद हेलो वर्ल्ड, या सीधे इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे हेलो वर्ल्ड डॉट txt टेक्स्ट डाएंगे और ऐसे इंटर कर देंगे, ठीक है। और जैसे कि आप देख सकते हैं हम यहाँ पे खुल गया। इसके अंदर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, कुछ भी टाइप करेंगे राम shyam श्याम टाइप करेंगे, उसके बाद इसको राइट आउट करने के लिए ctrl+O टाइप करेंगे, ctrl+O से राइट आउट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फाइल नेम दिख गया, उसके बाद एक बार और इंटर मार देंगे, हो गया। और उसके बाद एग्जिट करने के लिए ctrl+X टाइप करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम इस फाइल को खोल के देखते हैं इसमें चेंज हुआ या नहीं, देख सकते हैं राम और श्याम आ गया है। तो ऐसे ही करके आप इस फाइल को भी एडिट कर सकते हैं, किसी फाइल को एडिट कर सकते हैं नैनो टेक्स्ट एडिटर के मदद से, और साथ में उसको क्या कहते हैं क्रिएट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़। तो अब हम सीखेंगे किसी भी चीज़ को कॉपी करना, ठीक है। तो अभी हम ls टाइप करेंगे यहाँ पे ls डेस्कटॉप पे, तो देख सकते हैं ls यहाँ पे हेलो वर्ल्ड डॉट टेक्स्ट है। अब हम इसको कॉपी करना चाहते हैं और कहीं और पेस्ट करना चाहते हैं, तो देखिए हम फाइल खोल लेते हैं, और फाइल में हम खोल लेते हैं कौन सा फोल्डर खोले, वीडियो, ठीक है, वीडियोज़ खोल लेते हैं। तो देखिएगा जैसे ही हम उसमें कुछ उसको वीडियोज़ में कॉपी करना चाहते हैं, ठीक है, तो ls अरे यार बेसिकली यहाँ पे ls टाइप कर रहा है, हो गया। उसके बाद इसको साइड में रखते हैं, किस साइड में रखें, इस साइड में या इस साइड में, ठीक
ठीक है, इसको इस साइड में रख लेते हैं, उसके बाद इसको यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ls टाइप करते हैं, ls और साथ में एक मिनट रुक जाइए, हाँ ls टाइप करेंगे, sps टाइप करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश टाइप करेंगे, और हम देखना चाहते हैं उसका लिस्ट कि बेसिकली वीडियोस के अंदर में क्या क्या है। तो हम टाइप करेंगे रूट, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं, उसके बाद टाइप करेंगे कैपिटल वी आई या टैब टाइप करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। देख सकते हैं वीडियोस में कुछ नहीं है, तो कॉपी करने के लिए हम टाइप करेंगे डेस्कटॉप पे पहले ls कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉपी करने के लिए हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट को वीडियोज फोल्डर में, वीडियोज के फोल्डर में आपको टाइप करना है cp, उसके बाद उस उसका नाम कॉपी कर लेंगे। देखिए हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट टेक्स्ट है, तो इसको कॉपी कर लेंगे, या फिर आप टाइप भी कर सकते हैं। हम जो है सो कॉपी कर रहे हैं क्योंकि दिखाने के लिए कि वही चीज़ कॉपी करना है। कॉपी किए, यहाँ पे पेस्ट किए, उसके बाद स्पेस दिए, उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद हमको जहाँ पे कॉपी करना है वहाँ पे उसका नाम डाल देंगे। फॉरवर्ड स्लैश नहीं डालेंगे, फॉरवर्ड स्लैश डालेंगे तो मतलब रूट हो गया, तो फॉरवर्ड स्लैश नहीं, सीधे इसी में टाइप करेंगे। क्या टाइप करना है, वीडियोज़, हाँ तो वीडियोज़ फोल्डर में एंटर करेंगे। वीडियोस फोल्डर में देखिए फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं, नहीं आया, रुक जाइए, अरे हाँ एक गड़बड़ कर दिए थे हम, उसका नाम नहीं दिए हम, अरे यार हम भूल गए थे। तो फिर से हम इसको कॉपी करके यहीं पे पेस्ट कर देते हैं, इस कमांड को कॉपी कर लेते हैं, और अरे यार ये बार बार कॉपी करने में दिक्कत होता है। कॉपी हो गया और यहाँ पे पेस्ट कर दिए, cp टाइप किए, उसके बाद एक स्पेस देंगे, उसके बाद उसका वीडियोस के बाद फॉरवर्ड स्लैश डाल के उसका नाम डालेंगे। तो उसका नाम नया डालते हैं उत्सव .txt, एंटर मारेंगे, पता नहीं कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। तो बेसिकली हम थोड़ा सा गलती कर रहे थे, गलती वैसे गलती नहीं कर सकते हैं इसको, बेसिकली हम पूरा का पूरा डायरेक्टरी नहीं डाल रहे थे, ये जो पूरा डायरेक्टरी है हम सीधे ये डाल रहे थे, हमको लगा काम कर जाएगा लेकिन काम नहीं किया, कोई बात नहीं, वैसे रेगुलरली उबंटू पे तो काम करता था, इस पे हो सकता है काम नहीं किया तो कोई बात नहीं। तो हम नया कमांड टाइप किए cp hello world.txt, जैसा कि उसका नाम है इस फाइल का जो कि डेस्कटॉप के अंदर में, उसके बाद स्पेस डाल के फॉरवर्ड स्लैश रूट और वीडियोस टाइप किए उस डायरेक्टरी का नाम। तो यहाँ पे देखिए हेलो वर्ल्ड कॉपी हो चुका है, इसमें भी वही है, ठीक है। तो ऐसे करके कॉपी कर सकते हैं, फिर से करते हैं तो देखिए हम टाइप करेंगे cp, अरे इसमें टाइप हो रहा है cp hello world helloworld.txt space forward slash root forward slash capital videos videos। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी एक है तो दूसरा नहीं आया,
अगर मान लेते हैं इसको डिलीट कर देते हैं तो मूव टू ट्रेस कर देते हैं तो आ जाता। देखिए इसको कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, देखिए आ गया हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट। तो ऐसे ही काम करता है, ऐसे ही मैं कॉपी कर सकते हैं आप किसी भी फाइल को कहीं से भी कहीं भी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम पहले आपको फोल्डर को डिलीट करना सिखा चुके थे, अब हम फाइल को डिलीट करना सिखाएंगे। तो उसका भी सेम है कि डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप में ls करेंगे तो ls से दिखाएगा क्या क्या है, और उसके बाद rm टाइप करेंगे और स्पेस डालेंगे और इसको कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देंगे, यानी कि हेलो वर्ल्ड HELOWORLD, ठीक है .txt। तो देखिएगा ये डेस्कटॉप से गायब हो जाएगा ये वाला, ठीक है गायब हो गया। उसके बाद डेस्कटॉप से वीडियोस को भी गायब करना, तो वीडियोस को गायब करने के लिए rm टाइप करेंगे और वीडियोस टाइप करेंगे, देखिए वीडियोस भी गायब हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही जो है सो आप किसी भी फाइल को भी और फोल्डर को भी। तो अब हम किसी फाइल या फोल्डर को मूव करना सिखाते हैं आपको बिना कॉपी किए किसी को एक जगह से दूसरे जगह। तो अभी हम cd space double dot डालेंगे, अरे यार cd space double dot डालेंगे, पीछे जाएंगे और ls टाइप करके उसके बाद cd, उसके बाद हम जाएंगे वीडियोस में vidios वीडियोस में, उसके बाद ls टाइप करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड ऑफ टेक्स्ट है। तो इसको मूव करके हमको वापस डेस्कटॉप पे लाना है, तो उसके लिए हम टाइप करेंगे कमांड mv उसके बाद हेलो वर्ल्ड डॉट टेक्स्ट टाइप करेंगे हेलो हेलो WORLD.txt जैसा कि इसका नाम है, उसके बाद स्पेस देके //root/ किस में डालना है डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप में DES डालना है DES डेस्कटॉप। तो देखिए ये यहाँ से उड़ गया और ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। ऐसे करके आप किसी भी फाइल या फोल्डर को भी कॉपी कर सकते हैं, हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे फोल्डर को कॉपी करने में, बस आपको। उसके बाद आपको एक चीज़ दिखाते हैं, जैसे कमांड अभी अब इतना चीज़ कर चुके हैं यहाँ पे, बहुत सारा चीज़ कर चुके हैं, तो इसमें हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं जो हम पिछला जो किए थे उसको कैसे आप कमांड लाना। तो सीधे एरो अप बटन को दबाइएगा ना, तो ये सीधे वो कमांड सब आपको दिखाएगा जो आप जो है सो बेसिकली टाइप कर चुके थे। तो आपको यहाँ पे कोई भी कमांड आपको अगर एंटर करना है तो सीधे ऊपर नीचे का बटन, तो बेसिकली टाइप करना है तो ऊपर का टाइप करना है, तो मूव किए थे और cd cp rm वीडियो रिमूव क्रिएट echo पे जाते हैं, तब तक echo। तो वीडियोस में हम इस फोल्डर को इस फाइल को क्रिएट करना चाहते हैं जिसके अंदर ये सब लिखा हो, तो सीधे एंटर मार देंगे, देखिए वीडियोस में क्रिएट हो गया और उसके बाद ये सब है। तो इसको हम डिलीट करना चाहते हैं तो टाइप करेंगे rm उसके बाद हेलो वर्ल्ड .txt, तो ये गायब हो गया यहाँ से। तो उम्मीद करते हैं।